यूएसए एंड चाइना अनडली आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे और इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स अगर आपस में मिलेंगे तो बात तो इसके बारे में होनी जरूरी है इन द बैकग्राउंड ऑफ वट एज हैपन्ड पिछले दो साल से रिलेशन ज्यादा ठीक नहीं रहे दोनों कंट्रीज के और ये मीटिंग का होना शी जिमपिंग मेट जो uh, बाइडन और इस मीटिंग के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस किया गया है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूएस और चाइना के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलेंगे करंट मीटिंग के अंदर जो एजेंडाज डिस्कस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे इन मीटिंग्स का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे सो वी विल ट्राई टू गिव इट अ थ्री डिग्री एंगल और काफी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा ऐसी एक मीटिंग जो हुई है इस बार वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइडलाइंस पर हुई है और यह मीटिंग लगभग चार घंटे चली और काफी ऐसे मुद्दे जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे कि डिस्कस हो सकते हैं वो सारे डिस्कस हुए हैं और आउटकम्स के अंदर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही निकल के आया यू मस्ट हैव सीन के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए गए कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस कर लिया गया जिसके कारण और भी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो खड़ी हो गई हैं एंड ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड विद अस वी हैल रिलेशन सर आपका तो पी एस आई आर ऑप्शनल भी है तो उसके साथ इसको

जी सर पहले तो थैंक यू आपने इस सेशन को कंडक्ट किया और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा हर एस्पोरेंट के लिए क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं आज के समय के ऊपर इनको अक्सर जी टू भी कहा जाता है द ग्रुप ऑफ टू विच इज़ लीडिंग द वर्ल्ड बहुत सारे एनालिस्ट तो भी कहते हैं कि यूएसए जो है एक तरह से सुपर पावर है और जो चाइना है वो डिप्यूटी सुपर पावर है इज वेटिंग टू टेक द जॉब एक होता है ना प्रेसिडेंट hmm. प्रेजिडेंटिंग खींच लेना है तो वही इनका एक हाल है और ये बिल्कुल सबसे बड़े कंपटीटर हैं आपस में तो जो आपका क्वेश्चन था कि इतिहास की बात करें हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास जो है इसका बड़ा पुराना है सर दोनों रिलेशन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप का कि जब नाइनटीन फोर्टी में चाइना की फॉर्मेशन होती है तो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था माओ की फॉर माओ ने फॉर्मेशन करी सारे दुनिया जानती है तो ऑब्वियसली एज अ कम्युनिस्ट कंट्री ये पार्ट था सोवियत ब्लॉक का और उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी दुनिया जो थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी वन वाज लेड बाई यूएसए एंड सेकंड वाज लेड बाय यूएसएसआर तो अब चाइना जो थी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर थी उस ब्लॉक में तो बड़ा देश भी है पॉपुलिस्ट भी है तो बड़ा अच्छी तरह इनका सीनो और सोवियत रिलेशनशिप जो था बड़ा ही अच्छा चल रहा था ये मुद्दा चेंज होता है समय लेट नाइनटीन में एंड अर्ली नाइनटीन में अब उस समय नाइनटीन में एक जोड़ी आती है यूएसए में जो रूल करती है यूएसए को जिनको कहते हैं निक्सन किसिंजर एक्सेज प्रेसिडेंट निक्सन एंड उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर हेनरी किसिंजर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को बताऊं कि हेनरी किसिंजर अभी भी उनकी एक फोटोग्राफ आई थी वेर ही वेंट टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग और शी जिनपिंग आजकल बड़े कम लोगों से मिलते हैं स्पेशली पोस्ट कोविड तो खुद जाके उन्होंने हेनरी किसिंजर से मीटिंग करी तो किसिंजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करने में तो सर क्या क्या ये मीटिंग आई एम सॉरी टू कट यू एन बट क्या ये मीटिंग भी इसी वजह से हुई कि रिलेशन को थोड़ा बेटर कर दिया जाए नहीं जो देखो ये कहा गया कि किसेंजर साहब ने यह कहा और चाइना ने भी यह कहा कि एक पर्सनल मीट थी कि हेनरी अपने पर्सनल लेवल के ऊपर मिलने आए थे पर जो समझते हैं जो जानते हैं तो वो जानते हैं कि पर्सनल तो कुछ होता नहीं जो भी होता, तो जो भी होता है सर वो एजेंडा तो नहीं इंटरेस्ट होता है कि जो इंटरेस्ट है तो किसिंजर एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है व्यक्तित्व तो उनका बहुत बड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन में तो अगर हम वापस जाए तो विजिट एंड ही और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज अ मीडिएटर बिटवीन चाइना एंड यू तो वहाँ से जो उस टाइम पे रशिया यूएसए के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट निक्सन ही विजिटेड द कम्युनिस्ट कंट्रीज ही विजिटेड चाइना ही विजिटेड रशिया तो ये कहा जाता है कि दैट टाइम पीरियड चेंज द वर्ल्ड तो वो जो सात आठ दिन का समय था सेवन डेज देंज द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि जब निक्सन की विजिट हुई चाइना में तो वहाँ से रिलेशनशिप जो थे यूएस और चाइना का बेहतर होना स्टार्ट हुए अब 1978 में चाइना टू का ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसको अगर इंडिया के हिसाब से कहें जिसको हम कहते हैं एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो वो सेवनटी का एरा था जहाँ पे चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया और वहां से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया और आज हम सब जानते हैं कि चाइना से बड़ा इकोनॉमिक माइट दुनिया में कोई नहीं है ना ही यूएस है यूएस भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है जितना बड़ा सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है जैसा आपने बोला सर एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन चाइना बिल्कुल सर एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन चाइना तो वहां से रिलेशनशिप जो थे वो ग्रेजुअली बेटर होना स्टार्ट हुए और ये रिलेशनशिप जो थे सर ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप के से ही स्टार्ट हुए और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा जैसे मीर शाइमर एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं बड़े प्रचलित रियलिस्ट थिंकर हैं स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं जो पी और ऑप्शन के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को कि मीर शाइमर स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं कि जिन्होंने कहा कि यू एस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइना फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना होगा जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने भी कहा कि यूएस की फेलियर है चाइना का राइस कि यूएस ने अपने आप को बैक एंड पे किया यूएस ने मिलिट्रिल ओवर स्ट्रेच किया जिसकी वजह से इकोनॉमिक वॉर्ड को फिल करने के लिए चाइना का राइज हुआ तो इनका जो रिलेशनशिप है बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप था और उसके आसपास ही फिर इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हुई पॉलिटिकल साइंस में एक और कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस मेजरली इकोनॉमिक पॉइंट्स के ऊपर होता है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं और आज के समय में अगर हम दुनिया के रिलेशनशिप को देखें चाहे इंडो यूएस रिलेशनशिप देखें चाहे इंडो चाइना रिलेशनशिप देखें तो एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अपने एस्पिरेंट्स को बता दूँ पॉलिटिकल साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे बाकियों के भी काम आएगा जीएस में भी इसको कोट किया जा सकता है एक जो कोह एंड नाई का कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस तो जब हम जीएस की क्लास में भी आई आर मैं करवाता हूँ तो मैं वहाँ पर यह बताता हूँ कि द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप हैं और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली इंटरलिंक्ड हैं इंटरडिपेंडेंट हैं कि एक पॉइंट फैक्टर आउट करना कि क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ इकोनॉमिक है, है।, है क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ स्ट्रैटेजिक है क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ हिस्टोरिकल है क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ आपका जियोपोलिटिकल है वो फैक्टर आउट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आज के समय के ऊपर तो आज का जो रिलेशनशिप है वो जैसे जोसेफ नाई का जिनका मैं नाम बताया तो उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही यूएस चाइना के रिलेशनशिप को लेके कि ये रिलेशनशिप जो है ये रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेटिव राइवलरी कि प्यार है पर नाराजगी भी है Mm -hmm. तो ये वो टाइम्स so, अगर, अगर में जो इशू रहे पिछले दो साल की अगर मैं बात करूं तो दो साल के अंदर हमने है कि the, uh, left, kind of क्या प्रॉब्लम रही है sir, इसको मैं दो साल से थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ mm -hmm. जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी रियलिस्टिक पॉलिसी अप्रोच थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात रिकॉग्नाइज करी और उन्होंने कि यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रशिया नहीं है आज के समय में ओबामा साहब तक जो यूएस की पॉलिसी चलती थी वो थोड़ी सी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की पॉलिसी चलती थी कि रशिया इज आर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर तो ट्रंप साहब ने कहा कि रशिया इज नॉट योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर एज ऑफ नाउ योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज चाइना तो वहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया यूएस की फॉरन पॉलिसी में तो वहीं से जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से एक तरह से कॉम्पिटिटिव हो गए और ट्रंप के टाइम के ऊपर ही ट्रंप ने एक ली थी कि उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभी भी जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं उसमें इसी चीज की बात करें हाँ, उन्होंने बोला कि दुनिया में दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया ग्लोबलाइजेशन का चाइना और इंडिया इनको एग्जाम्पन्स की जरूरत नहीं है और वहीं पर स्टार्ट भी होती है यूएस चाइना ट्रेड वॉर जहां पे यूएस कुछ इंक्रीज करता है लिमिट्स टैरिफ्स इंक्रीज करता है चाइना टैरिफ्स इंक्रीज करता है चाइना बैन लगाता है तो वो इसी टाइम से चल रही है ट्रंप के टाइम से ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है और वो यूएस ने रिकोगनाइज किया कि हमारे लिए ट्रेड जो हमने अगर इंक्रीज करना है अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को थोड़ा सा रिड्यूस करना है जिसको हम कहते हैं डी Hmm. कि द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू डी कपल इट्स इकोनॉमी ये इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट है मैं अपने एक्सपीरियंस को बता दूं ये कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था डी कपलिंग ऑफ इकोनॉमी डी कपलिंग का मतलब क्या है कि अगर ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं आपने इन दोनों चीजों को अलग करना है जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक आइडिया hmm. दिया था कोविड hmm. के टाइम पर बिल्कुल सर आत्मनिर्भर भारत दैट इज डी कपलिंग ऑफ इकॉनॉमी की जो बात बिल्कुल सर, आती है। तो ट्रंप साहब ने यही बात को फोकस किया था और वहीं से ये प्रॉब्लम जो थी ये ग्रेजुअली एस्केलेट होती गई और फिर आ गया कोविड

स एक बड़े पुराने थिंकर थे थ्यूसी ने एक बोला था कि ट्रैप होता है उन्होंने बोला कि दुनिया एक लूप से गुजरती है कि एक होती है एक समय पे है जेमनिक पावर एक होती है रिवीजनिस्ट पावर तो हेजेमनिक पावर जो है वो दुनिया कंट्रोल कर रही है सबसे प्रोमिनेंट पावर है रिवीजनिस्ट पावर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी तो जैसे एक समय पे ब्रिटेन हेजेमनिक पावर था यूएसए रिवीजनिस्ट पावर था बिल्कुल आज वो साइकिल चेंज हो गया यूएसए हेजेमोनिक पावर है चाइना रिवीजनिस्ट पावर है तो चाइना इज ट्राइंग टू रिप्लेस यूएसए तो ये एक तरह से खेल है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है और कौन दुनिया को कंट्रोल करेगा so, ये ये थ्योरी में शायद इस बारे में भी बात होगी कि ये जो अभी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ये फिर प्रॉब्लम्स येविटेबल है, Inevitable ये, जो, है ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी दो ऐसे बड़े लीडर्स में ये फिर होनी ही होनी है चीज़ ऐसा सर ये दो बड़े लीडर्स की बात नहीं है ये बात है हर कंट्री की हर कंट्री चाहती है अपनी पावर को एक्सपेंड करना कौटिल् ने अर्थशास्त्र में ये कहा हुआ है कि जो लीडर है जो कंट्री है जो किंग है जो स्वामी है उनको अपनी पावर को एक्सपेंड करना ही है और अगर आप एक्सपेंड नहीं करोगे अपनी पावर को तो ग्रेजुअली यू विल पैरिश ये रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बात मोर्गेंथ्यू भी करते हैं मोरगेंथ्यू तो चलो बड़े नए लीडर हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो हमारे देश के सबसे महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्या ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है तो ये इनएविटेबल है ये होना ही होना है सर इसको थोड़ा सा अब जैसे करंट सिचुएशन में थोड़ा लेकर चलते हैं जो ये मीटिंग हुई एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के साइडलाइंस के ऊपर हुई क्वाइट अनएक्सपेक्टेड लाइंस था तो एक्सपेक्टेड के मिलेंगे वर्ल्ड लीडर्स सर इस मीटिंग में क्या एजेंडाज थे किन मुद्दों के बारे में बात हुई और क्या यही मुद्दे थे जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कैन यू टॉक अबाउट सम ऑफ दी मेजर थिंग्स दैट वर डिस्कस मेजर पॉइंट्स दैट पॉइंट इन दिस मीटिंग देखो सर ऐसा है कि ये मीटिंग एक्सपेक्टेड थी सैन फ्रांसिस्को में ये मीटिंग हुई जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी क्या चार घंटे की मीटिंग थी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी दुनिया के लिए सारी दुनिया की निगाहें थी इसके ऊपर क्या होने वाला है क्योंकि जब दो शेयर मिलते हैं जैसे कि कल वर्ल्ड कप का मैच भी है है ना तो इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे तो दुनिया तो देखेगी वैसा यही था कि यूएस और चाइना मिलेंगे तो दुनिया तो देखेगी अब इसमें इन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है अभी जैसे सी ओ आने वाला है तो उसकी बात हुई मिडल ईस्ट हम दुनिया भर जानती है कि जो अभी रिसेंट क्राइसिस चल रहे हैं इसराइल और हमास की इसराइल पैलेस्टीन के उसकी बात हुई ईरान को लेकर डिस्कशन हुई आपका ताइवान को लेकर डिस्कशन हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इशू चल रहा है सर कि यूएस ड्रग प्रॉब्लम फेस कर रहा है फेंटेलाइज फेंटेनाइल सॉरी प्रोडक्शन की बात हुई कि ये फेंटेनाइल जो हैं ये चाइना भेजता है एक्सपोर्ट करता है यूएस में जिसकी वजह से यूएस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो रही है अगर आप देखो तो यूएस में अगर आप नेट पे जाकर कई सारे एक्सपेरियंस चेक करेंगे तो यूएस में कई सारे जो हैं वो जॉम्बी टाउन्स बन चुके हैं hmm. इतनी ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है यूएस में कि यूएस में कई सारे एरियाज में तो सर यहां तक लॉ बना दिया गया है कि अगर आप कुछ चीज़ों की चोरी करते हो तो उन्होंने लिमिट सेट करी है कि फॉर एग्जाम्पल नाइन हंड्रेड डॉलर की लिमिट है कि एक तो स्टेट में कि अगर आप इतनी चोरी करते हो तो आप एग्जेप्टेड हो आपको ऊपर कोई अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा आपको समझा के छोड़ दिया जाएगा क्यों, इतनी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट है खराब हुई है और ये जैसे आपने बोला कि फेंटेनल प्रोडक्शन जो थी इसके बारे में एक मुद्दा उठाया गया दिस वाज अ न्यूज बिफोर आल्सो ओपीएम के साथ इसको लिंक uh, किया <coughs> गया और उसके साथ बताया गया कि दैट चाइना के अंदर जो ये चीजों की प्रोडक्शन हो रही है

दूसरी बात उन्होंने कही कि आप जब इसको भेजते हो limit, तो सारी ऐसी जो गलत लेबलिंग के हिसाब से तो बैन कर दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया अब आपके लिए हम क्लिनिकल प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं hmm. आपकी यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उनको इस चीज की जरूरत होती है वो हमसे डिमांड करते हैं हम भेजते हैं आप सारा इल्जाम हम पे मत लगाइए आप ये भी तो देखिए बिल्कुल आप ये भी तो देखिए कि आपके कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इसको प्रस्क्राइब करने यूथ में इतना ड्रग एडिक्शन क्यों फैल रहा है जॉबलेसनेस है होमलेसनेस है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सब हम पे मत डालिए अगर आप कहते हो कि इस पे और रिस्ट्रिक्शन लगाएं आप हमें लिख के दे दो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था बहुत इसके अलावा एक मुद्दा जो अभी काफी लाइन में आने वाला है दो में जो थोड़ा सा हाईलाइट होगा फिर से पिछले साल फिर से एक बार इसके बारे में बात हुई थी ताइवान ताइवान एक ऐसा मुद्दा है सर जिसके कारण हमेशा यूएसए और चाइना की डिस्कशन होती ही होती है थोड़ा सा उसके बारे में सर अगर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वाई एट दिस पॉइंट ताइवान इज अ अंपर्टेंट इशू देट एवरी वन शुड नो अब देखो सर चाइना जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना अपनी पावर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए स्ट्रेटेजिकली ताइवान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तो बिल्कुल नीचे है चाइना के साउथ पार्ट ऑफ चाइना में है Correct. और चाइना उसे चाहता है उसको एक्सपेंड करना उसको अंडरटेक करना हांगकॉन्ग तो चाइना ऑलमोस्ट अब है ना कुछ सेमी ऑटोनॉमस कुछ बचा नहीं है सारी दुनिया जानती है वैसे ही उनका जो नज़रिया है वो ताइवान की तरफ है पर ताइवान एक दुनिया का बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है कल की ही एक स्टेटमेंट आई थी डॉक्टर जयशंकर की तो इसमें डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया ताइवान के बारे में तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि ताइवान के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं तो ताइवान सिर्फ यूएस के लिए नहीं ताइवान इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हर वर्ल्ड कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि

दूसरी है आइडियोलॉजिकल जियोपोलिटिकल प्रॉब्लम है यूएस की प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड ताइवान वेरी क्लोज अलाई ऑफ यूएसए तो वो एक प्रेजेंस हो गई दूसरा आइडियोलॉजिकल है क्योंकि ताइवान डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएस hmm. बार बार ये स्टेब्लिश करना चाहता है कि डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड और द कम्युनिस्ट आइडिया और बिल्कुल कम्युनिस्ट वर्ल्ड के नीचे एक डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर चाइना क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क है उनकी हेजेमनी के ऊपर उनकी पावर के ऊपर सर कैन वी कैन वी रिलेटेड लाइक दिस के अगर आप आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो आइडियोलॉजीज आग, फिर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है चाहे वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड में हो शायद वो बिल्कुल आउट इन दी ओपन ना भी दिखे तो क्या हम इसको कोल्ड वॉर टू भी बोल सकते हैं देखो तो सर इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि कोल्ड वॉर टू पॉइंट वो है एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि नहीं है अब क्योंकि अगर हम कोल्ड वॉर वन देखें जो पहले थी 1945 से देखेंटी 1991 तक जो चली तो वो कोल्ड वॉर जो थी सर वो आइडियोलॉजिकल थी उसमें आइडियोलॉजी हैवी थी इसमें आइडियोलॉजी का इतना रोल नहीं है ये एक तरह से पावर पोजीशन है इकोनॉमिकली मिलिट्रिली जियोपॉलिटिकली तो थिंकर्स बोलते हैं कि ये कोल्ड वॉर टू पॉइंट नहीं है कुछ बोलते हैं कि आइडियोलॉजी का भी रोल है तो ये सर दोनों दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं है हम मान के चलते हैं कि ये अगर कोल्ड वॉर की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है अगर हम इसको आइडियोलॉजी के परस्पेक्टिव से ही समझते हैं जो पहली कोल्ड वॉर है तो ये कहा जा सकता है कि ये नहीं है सर कोल्ड वॉर टू पॉइंट ओ तो नहीं है बट हां ये फाइट फॉर है। फाइट फॉर जरूर है। सर इसके अलावा एक मिलिट्री uh, कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने दो तीन आर्टिकल्स देखे वहाँ पर हाईलाइटेड था कि मिलिट्री कम्युनिकेशन को रिज्यूम करने की बात हुई है विच हैज बिकम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन अंडर दिस मीटिंग तो मिलिट्री कम्युनिकेशन का मुद्दा क्या है सर किस तरह के कम्युनिकेशन को रिज्यूम किया गया है क्या उसके इम्पैक्ट होंगे क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के अलावा लाइक फॉर एग्जाम्पल वी नो हाउ गुड अलाए इज इंडिया ऑफ यू क्या अगर यू और चाइना मिलिट्री कोऑपरेशन को इनहांस करेंगे कैन इट बी ए डायरेक्ट थ्रेट टू इंडियाज एग्जिस्टेंस देखो सर ये तो ना वहाँ हर कंट्री में होता है मिलिट्री कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप जो है इससे बहुत ज़्यादा कोई रिलेशनशिप पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इंडिया के ऊपर कोई बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा इंडिया यूएस का बड़ा क्लोज एसोसिएट है क्लोज पार्टनर है ये यूएस भी जानता है ये इंडिया भी जानता है अब मिलिट्री कम्युनिकेशन का जो एस्पेक्ट आपने उठाया जो आपने पूछा है सवाल अब ये मिलिट्री कम्युनिकेशन है क्या सर कि दो मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन होता है फॉर द पैसेज ऑफ वेसल्स फॉर द पैसेज ऑफ नेवल शिप्स कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसमें ऐसा नहीं है कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है या किसी तरह का हम डाटा शेयर कर रहे हैं ऐसा कोई इसमें एस्पेक्ट नहीं है बस बीच में ये रुका हुआ था क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप बहुत खराब थे एट देवर एट द लोएस्ट लेवल जिसकी वजह से ये रुका हुआ था तो बस ये बेसिक सी एक इंटरेक्शन है दोनों मिलिट्रीज के बीच में ताकि जो पैसेज ऑफ शिप्स हों वाया सम इंडो पैसिफिक ओशियन और सम साउथ चाइना सी फॉर ट्रेड और एनी वो एक प्रॉपर हो पाए इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप्स हो गए रिलेशनशिप बिल्कुल सुधर गए कि इंडिया शुड 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 बी 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 क्वाड ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल तो सर अगर मैं हाइड साइड में इन सारे मुद्दों मुद्दे जो आपने हाईलाइट किए जैसे आपने क्लाइमेट चेंज बोला आपने मिडल ईस्ट की बात करी आपने ईरान के बारे में स्पेसिफिक बात करी देन ताइवान आपने बोला फेंटरल प्रोडक्शन की बात आपने करी मिलिट्री कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा कि ये सारे मुद्दे जो है इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं सो कैन वी स ये जो सारी बातें हुई हैं इनका इन सब का ही आउटकम जो है पॉजिटिव आया या फिर कुछ नेगेटिव भी एलिमेंट जो है इस मीटिंग का आउटकम निकला है सर देखो पॉजिटिव तो यही है कि दोनों मिले है ना दो मुलाकात हुई आंखों में आंखें डली यही पॉजिटिव है इसके अलावा पॉजिटिव ऐसा नहीं है पर हाँ न्यूट्रल कह सकते हैं दो चीज़ें हैं एक तो न्यूट्रल कहेंगे क्योंकि ईरान से बात जो आपने सवाल बात की ईरान की क्योंकि ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर हमास को सपोर्ट करता है ईरान किसके क्लोज है चाइना के क्लोज उन्होंने तो कहा कि भाई साहब समझा लो ईरान को पहले पहले लगे हुए हैं इससे हम कुछ और स्टेप लें तो वो ईरान के लिए भी डेट्रीमेंटल रहेगा मिडिल ईस्ट के लिए और कहीं ना कहीं चाइना के लिए और बिल्कुल वेस्ट एशिया के लिए चाइना के लिए तो नहीं पर वेस्ट एशिया के लिए खासकर डेट्रीमेंटल रहेगा क्योंकि यूएस ने अटैक भी किया था सीरिया में एयर ड्रॉप्स किए एयर बॉम्ब गिराए थे ऑन ईरानियन डिस्पेंसिएशन और इरानियन

एक तरफ है वेस्ट जिसमें आता है यूएसए यू, 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 यू और सारा यूरोपियन यूनियन ईयू जिसको हम कहते हैं और दूसरी तरफ आता है चाइना रशिया एंगल तो इस चीज को लेके भी कोई न्यूट्रल है इसमें कोई खास चेंज नहीं आया है बिल्कुल है है नेगेटिव में ये जरूर है कि आफ्टर द मीटिंग जब जो बाइडेन साहब से प्रेसिडेंट से पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा ही शब्द का इस्तेमाल किया जैसे उन्होंने बोल दिया कि शी जिनपिंग इज रनिंग हिज कंट्री लाइक अ डिक्टेटर जिसके ऊपर बिल्कुल सर जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे बवाल हुआ चाइना ने बोला कि इलेक्टेड लीडर हैं क्योंकि ही इज एन इलेक्टेड लीडर चाहे हम कहीं डेमोक्रेसी है कि नहीं है पर इलेक्टेड लीडर बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड वी ऑल नो दट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनाज इक्वल टू द स्टेट ऑफ चाइन चाइना तो जैसे उन्होंने इलेक्ट किया है तो दूसरे लीडर के बारे में यह बोलना कि वो डिक्टेटर हैं। एक इलेक्टेड स्टेब्लिड लीडर के बारे जो इतने सुपर पावर के लीडर हैं तो वो उसके ऊपर बवाल हो सकता है बिल्कुल कुछ, हाँ तक। कुछ हाँ तक नहीं सर है क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि अगर आपने यही बोलना था तो मिलने का फायदा क्या था? तो ये ना कहीं पूरी मीटिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेड था वो थोड़ा है थो पॉजिटिव सर थोड़ा पॉजिटिव है पर इंटरनेशनल नेशनस का यही मजा है कि थोड़ा नमक मसाले <laughs> के बिना तो कैसे बात चलेगी कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए बिल्कुल सर सर इंडिया uh, किस पोजीशन में अपने आपको देखता है मतलब आज की डेट में चलो वी हैव सीन दैट टू लीडर्स हैव मेट वी हैव सीन दैट दे हैव टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इशूज वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात हुई जैसे क्लाइमेट चेंज अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ दो कंट्रीज की बात नहीं है पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करते वाले मुद्दे हैं एंड ये वर्ल्ड लीडर्स हैं तो ऑब्वियसली ये जो भी डिस्कस करेंगे वो इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर जो एक इमर्जिंग पावर है उनके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया अपने आप को किस पोजिशन में देखे शुड वी बी वर्ड के इफ दीज टू कंट्रीज आर मीटिंग देर कैन बी समैक्ट ऑन एस कैन वी सी दैट दउटकम विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया एट सम पॉइंट हम किस तरह से देखें एज ए कंट्री इंडिया या फिर हमारे एस्पिरेंट्स को अगर मान के चलते हैं मेन्स का कोई सवाल ही आ गया इसके ऊपर कि जो मीटिंग हुई है इन मीटिंग्स का क्या इंपैक्ट रहता है इंडिया के ऊपर तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं इंडिया जैसे हमने कहा बिल्कुल एमरजिंग इकोनॉमी है एमरजिंग पावर है दुनिया की एक सबसे मानी हुई सबसे बड़ी एमरजिंग पावर है और अदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इस टाइम पर अगर देखा जाए तो जैसे अगर कहा जाता है तो इसको मिडिल पावर कहा जाता है इंडिया को सी राजा मोहन जो थिंकर हैं वो इंडिया को मिडिल पावर कहते हैं और बहुत सारे थिंकर्स इंडिया को एज ए स्विंग स्टेट भी देखते हैं स्विंग स्टेट का तात्पर्य क्या होता है स्विंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिस तरफ ये जाएगी उसका पलड़ा भारी, भारी होगा बचपन में हम जैसे सीसो खेलते थे ना पार्क में ये वही है एक तरह से स्विंग स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है तो इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल सर इसमें नहीं है क्योंकि जैसे हमने क्लाइमेट चेंज की बात करी तो इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है हमारे एक्सपीरियंस पढ़ते भी होंगे सी ओ पी ट्वेंटी एट जो होने वाली है आज इंडियन एक्सप्रेस में आया भी है उसके बारे तो एक तो वो है दूसरा इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है इंडिया यूएस रिलेशनशिप बड़े अप्रॉक्सिमेट हैं और यूएस को भी पता है कि जब ओबामा ने बुश ने एंड ओबामा ने फोकस किया था अबाउट द एशिया पिवट पॉलिसी तो उसमें पिवट इंडिया ही hmm. है एक तरह से आज के समय में बन चुका है कि देयर पॉलिसी टूवर्ड्स दिस इंडो पैसिफिक रीजन गोज बाय इंडिया एंड फॉर इंडिया इट इज टू काउंटर चाइना वी हैव टू फॉलो नॉट फॉलो बट वी हैव टू अलाइन आर सेल्व विद यू एस ए तो चाहे आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें चाहे फिर वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जिसमें यूएस एक्टिव पार्टिसिपेंट है चाहे फिर वो क्वाड हो जो इंडो पैसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे फिर वो आपका क्वाड हमने आई टू यू टू की बात किया जो वेस्ट एशिया के लिए है तो वहां पर इंडो यूएस जो है बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं और ट्रेड रिलेशनशिप भी हमारा बहुत अच्छा है और पर्सनल रिलेशनशिप बाइडन सर के बीच में और मोदी साहब के बीच में बड़ा अच्छा है तो एक इंडिया के लिए ऐसा डेटरीमेंटल नहीं है कि दोनों कंट्रीज आती हैं इंडिया के लिए चाइना कंपटीशन है सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी कंसर्न है इसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चाइना ही है पर हमने चाइना की पावर को बैलेंस कैसे करना है बैलेंस करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं एक तो होता है इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर कि अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करो जो हम कर रहे हैं इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से पॉपुलेशन से हर चीज़ से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा होता है एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर जिसमें हम नई फ्रेंडशिप्स बना रहे हैं मित्र बना रहे हैं जैसे कटिल्ला कहते हैं मित्र उनकी बात हो रही है तो उसमें यूएस सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मित्र है सो वी कैन से लाइक फॉर इंडिया इस इस मीटिंग का आउटकम देखें तो इंडिया के लिए कुछ खास चेंज नहीं होने वाला सो इमीजिएट चेंजेस हम अपनी स्ट्रेटेजी में अपनी वे uh, फॉरवर्ड में भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ऐसा कुछ खास इसका इंपैक्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ना नेगेटिव ना ही कुछ पॉजिटिव इंडिया इज एट अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन करेक्ट तो दिस इज अ गुड आउटकम दैट दैट यू मैं सर सो गाइज आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी वी हैव ट्राइड टू कवर आउट ऑफ थिंग्स थ्री सिक्सटी डिग्री परस्पेक्टिव से इस मुद्दे के बारे में बात करना बनता है क्योंकि ये मुद्दा जितना ही इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है ये आगे चलकर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा दीज टू कंट्रीज वन एवर दे विल मीट देर विल भी अलॉट ऑफ न्यूज बट दीज थिंग्स दैट वी हैव टॉक अबाउट टूडे दीज विल ऑलवेज रिमेन द बेसिक्स तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बात करी सर थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस एंड आई होप हमारे एस्पेरेंट्स को यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसी और वीडियोज देखने के लिए ऐसे पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड वी वुड लाइक टू सी योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन